नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित है, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोटरसाइकिल की बेसिक्स नॉलेज के बारे में, क्लियर करेंगे अपने बेसिक्स मोटरसाइकिल के बारे में, क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं उनको हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो और आपको इंजॉयबल हो, और दूसरी वीडियो भी आप आराम से देख सकें। कम टाइम में अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पर। अगर आप कोई भी काम शुरू कर रहे हैं तो बेसिक्स नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होना ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग कंट्रोल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मोटरसाइकिल कंट्रोल्स। ठीक है, तो मोटरसाइकिल कंट्रोल्स के जो मेजर कंट्रोल्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वीडियो के अंदर। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल होने वाला है, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशनल देखने को मिल जाएगी वीडियो के अंदर। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे थ्रॉटल के बारे में। तो ये है हमारा थ्रॉटल, अगर आप इसको इस तरह अपनी तरफ खींचेंगे तो गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये है गियर लीवर, इसे हम लोग फीट के द्वारा कंट्रोल करते हैं। जैसे हम बताएंगे, यहाँ पर पहला गियर आगे लगता है और बाकी के सारे पीछे लगते हैं। ये हर बाइक में अलग अलग सिस्टम होता है। क्लच लीवर हैंडल बार के लेफ्ट साइड पर होता है। क्लच की मदद से हम टायर की पावर पर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप क्लच को प्रेस करते हैं तो मोटरसाइकिल के टायरों की पावर कम होगी, और अगर आप इसको रिलीज करेंगे तो आपके मोटरसाइकिल के टायर की जो पावर होगी वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। फ्रंट ब्रेक लीवर की मदद से अपने फ्रंट ब्रेक को कंट्रोल कर सकते हैं। पैडल की मदद से अपने पिछले रियर ब्रेक को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बात करेंगे दूसरे पार्ट में, इसमें हम बाइक के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे।